हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। ओके, सो वी विल कंटिन्यू लीवरेजेस ओनली। ओके, एंड आई थिंक आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, तो नाउ यू रिफर इलस्ट्रेशन 5 एंड पेज नंबर 6.7 जो डीकेसी फॉर्मेट में मैंने आपको दिया है, आईसीआई मॉड्यूल। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, 9820030925, मैं आपको भेज दूंगा। राइट, 9820030925, 30925, 9820030925। ओके, विल कंटिन्यू। अब आप आ जाइए। फॉलोइंग आर द सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% फॉर ए, इसका मतलब पीवी रेशियो बोलो, लिखो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है, बी किसी स्टूडेंट सेलिंग प्राइस याद है ना, डिवाइड इन टू वेरिएबल प्राइस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर आपका सेलिंग प्राइस हमेशा क्या रहता है, 100%, अगर ये आपका वेरिएबल कॉस्ट 60 है तो ये आपका क्या रहेगा, 40। ये किसका है, इन केस ऑफ ए। इन केस ऑफ बी बोलो, सेलिंग प्राइस डिवाइड इन टू वेरिएबल प्राइस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। वेरिएबल प्राइस 50 है तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 50%, और पीवी रेशियो कितना रहेगा, 50%, वन ऑफ द सेम ना। हाँ, इंटरेस्ट दे रखा है आपको, ऑपरेटिंग लीवरेज है, फाइनेंशियल लीवरेज है, टैक्स रेट है। यू आर रिक्वायर टू फाइंड आउट द ईबीआईटी आपको चाहिए, सेल्स चाहिए, फिक्स कॉस्ट चाहिए। आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज बेटर प्लेस्ड विद द रीजन बेस्ड ऑन लीवरेजेस। ओके, टैक्स तक आपके पास है तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे बोलो, इनकम स्टेटमेंट। ओके, आ जाइए। इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग इनकम, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है आपका, इलस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 6.7। ठीक है, ये आपका कंपनी ए, ये आपका कंपनी बी। ठीक है, पहला सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, आपका आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, आपका आएगा पीबीआईटी इंटरेस्ट, आपका आएगा पीबीटी टैक्स, आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये आपको दे रखा है, ऑल फिगर्स आर इन रुपीस। स्टेटमेंट शोइंग इनकम, कंपनी ए कंपनी बी बोलिए, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स टैक्स एंड लेस। ठीक है, टैक्स आपको दे रखा है 30%। एक एक पार्ट को आप जरा समझ लीजिए। ठीक है, तो अब आपको दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट 60% एंड 50%। ठीक है, इंटरेस्ट है 20,000 इन केस ऑफ ए, 1 लाख इन केस ऑफ बी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, उसका कोई फाइनेंशियल लीवरेज से अपन कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि अपने पास फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाई
अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है, वो अपने पास ना तो ईवीआईटी है ना अपने पास ईबीटी है, बराबर। तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि डीएफएल इक्वल टू अपने को आएगा ईबीआईटी, राइट, डिवाइडेड बाय ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना अपन। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज अपन ये भी तो लिख सकते हैं ना, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। अब आप आ जाइए, पहला लेते हैं ए का डीएफएल आपको दे रखा है, डीएफएल दे रखा है 5, ठीक है, नहीं डीएफएल दे रखा है 3, ए का डीएफएल अपने को दे रखा है 3, ईबीआईटी अपने को नहीं पता है, ठीक है, ईबीआईटी अपने को नहीं पता है लेकिन अपने को इंटरेस्ट पता है 20,000। सही है, सो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब 3 ईबीआईटी माइनस 60,000 इक्वल टू ईबीआईटी, 2 ईबीआईटी इक्वल टू 60 और ईबीआईटी इक्वल टू 30,000। आपको क्लियर हुआ? प्लीज बोलो। देखो डीएफएल अपना क्या होता है बताओ, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर टैक्स, और डीएफएल अपना होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, कंपनी ए, डीएफएल 3 अपने को दे ही रखा है क्वेश्चन में, ईबीआईटी इंटरेस्ट अपने को गिवन है, तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 60,000 इक्वल टू ईबीआईटी, तो 2 ईबीआईटी, एक ईबीआईटी इधर चला जाएगा, 60 ईबीआईटी इक्वल टू 30। ये आपको क्लियर हुआ? इक्वेशन सॉल्व करने का आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब अगर आपका ईबीआईटी 30,000 है, अगर आपका ईबीआईटी 30,000 है, ईबीआईटी 30,000 है, तो आपका अर्निंग बिफोर टैक्स क्या आएगा 10,000, एंड यू कैन वेरीफाई ऑल्सो, राइट, एक एक केस में यू कैन वेरीफाई 30,000 ईबीआईटी डिवाइडेड बाई 10,000 ईबीटी एंड दिस कम्स टू 3। ये आपका क्या हो गया वेरिफिकेशन, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि आपका क्या हो गया वेरिफिकेशन। सही है, सो 30% टैक्स है इसका मतलब 3,000 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 7,000। सही है, सो बराबर है, ये आपका क्या था कंपनी ए का विद वेरिफिकेशन आपको, ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? कुछ तो लिखा हुआ है आपके पास सॉल्यूशन बुक में, फिर भी आप देख लीजिए, इफ यू आर नॉट गेटिंग इन पर्टिकुलर पॉइंट प्लीज आस्क मी। अब आप आ जाइए कंपनी बी के लिए, कंपनी किसके लिए आ जाइए कंपनी बी के लिए, राइट। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज आपको दे रखा है, बराबर। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, ईबीआईटी ईबीटी, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल ईबीआईटी ईबीआईटी में से अगर इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा बोलो, ईयर, ठीक है।
वापस से DFL इक्वल टू, ये आपको दे रखा है फाइनेंशियल लीवरेज 2, आपको EBIT नहीं पता है, आपको EBIT नहीं पता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट का अमाउंट पता है रुपीस 1 लाख. इट मींस अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 EBIT माइनस 2 लैक्स इक्वल टू EBIT, राइट? सो EBIT इक्वल टू 2 लैक्स. सो यस, ये आपको क्लियर हुआ कि EBIT आपका क्या हो जाएगा, बोलो. देखो ये आपको दे रखा कंपनी बी, कंपनी बी का फाइनेंशियल लीवरेज आपको दे रखा है, फाइनेंशियल लीवरेज होता है EBIT, EBIT माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको दे रखा है 2 EBIT, 2 लाख EBIT, EBIT एंड दिस कम्स टू 2 लाख. सो यस, ऑलराइट. इसको अगर हम लोग EBIT को 2 लाख कर देते हैं, हमारा EBT आएगा 1 लाख रुपीस, टैक्स आएगा 30,000 और ये हमारा आ जाएगा. यहां तक आपको बोलो परफेक्टली क्लियर हो? एम आई गोइंग फास्ट? अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप फास्ट लिखिए, अगर मैं स्लो जा रहा हूँ तो स्लो लिखिए, अगर आपको लग रहा है ओके तो प्लीज आप ओके लिखिए. ओके, तो पहला अपना आंसर आ गया. दिस विल बी योर आंसर नंबर 1. ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1. ये आपका आंसर नंबर 1 EBIT उन्होंने पूछा है. दूसरा आपने से पूछ रहा है फ्रेंड्स आगे की इंफॉर्मेशन, अब आप आ जाइए. दूसरा इंफॉर्मेशन कौन सा आपको दे रखा है, दूसरा आपको दे रखा है ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज. ये क्या होता है फ्रेंड्स, बोलो. कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT. EBIT तो है हमारे पास कंपनी ए, कंपनी ए के लिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 5 इक्वल टू EBIT है 30,000. इसका मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 1,50,000. सही है सॉरी, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 150. कंपनी बी आपको क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग एवरेज 2. ऑपरेटिंग एवरेज क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT. EBIT है अपना 2 लाख, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एंड दिस इज 4 लाख बराबर. इसका मतलब आपका कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ ए 150 और इन केस ऑफ बी 4 लैक्स, इन केस ऑफ बी 4 लैक्स, इन केस ऑफ ए, इन केस ऑफ ए 1 लैक्स, 3 लैक्स 30,000. इट मींस आपका फिक्स कॉस्ट हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर 120 और आपका फिक्स कॉस्ट हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर 2 लैक्स. बोलो आपका ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 120, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 2 लाख. से क्लियर प्रॉपर? अब आगे आ जाइए फ्रेंड्स, आप क्या बोलना चाह रहे हैं. अगर आपको लगता है फास्ट है स्पीड तो प्लीज आप कमेंट करिए फास्ट, अगर आपको लगता है स्लो तो स्लो, ताकि क्या आगे के वीडियोस में मैं बराबर से ये चीज को देख लूँ. अब देखिए
आपको दे रखा है, मैंने क्या बताया था, डीकेसी स्टूडेंट फटाक से करेंगे अभी, सेल्स, सेल्स डिवाइडेड टू वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। पहले कंपनी ए का ले लेते हैं, राइट। कंपनी ए का सेल क्या है, 60% वेरिएबल कॉस्ट है, इसका मतलब 40% ये है, ये आपका क्या हो जाएगा 100%, 40% आपका आ रहा है 1,50,000, आपको आ गया 1,50,000। इसका मतलब अगर 150 40% है तो इनटू 100 बाई 40 इज 1,50,000, एंड दिस कम्स टू 3,75,000। यू कैन वेरीफाई आल्सो योर आंसर इनटू 375, आपका वेरिएबल कॉस्ट आएगा 2,25,000, राइट। ये 375, ये 225, और ये आपका वेरिफिकेशन है, से यस बराबर। अब आप आ जाइए बी, कंपनी बी, ये आपकी थी कंपनी ए, कंपनी ये आपका हो जाएगा बी कंपनी, सेल्स, सेल्स डिवाइडेड टू वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 50%, कंट्रीब्यूशन कितना है 50%। कंट्रीब्यूशन हमारे पास है 50% इज रुपीज 4 लैख, इट मीन्स योर सेल्स विल बी 4 लैक्स इंटू 100/50, एंड दिस कम्स टू 8 लैक्स। देखिए आपका सेल क्या आ रहा है, रुपीज 8 लैक्स, 4 लैक्स आपका होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट, 8 लैक का 50%, एंड दिस कम्स टू ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर टू। ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप आईसीआई का मटेरियल डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं इन डीकेसी फॉर्मूला। जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बताइए, आप जितना मैक्सिमम आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा और उनका अच्छा रिजल्ट आएगा और आपका भी अच्छा रिजल्ट आएगा। भगवान सबसे पहले मेरा बनाकर उसके बाद बाकी के सब लोगों का बनाकर, आई एम गेटिंग ऑन। ओके, तो ये आपका हो गया आंसर नंबर टू, सेल्स आपकी निकल के आ गई, बोलो फ्रेंड्स ये हो गया आपका आंसर नंबर, कंट्रीब्यूशन है आपके पास, और ईबीआईटी आपका आंसर नंबर वन हो गया। अब क्या बोल रहा है, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट भी आपका आ गया, बैलेंसिंग फिगर, ये आपका हो गया आंसर नंबर थ्री, फिक्स कॉस्ट आंसर नंबर थ्री। आइडेंटिफाई द कंपनी इज बेटर प्लेस्ड विद रीजन बेस्ड ऑन लीवरेजेस। मैंने आपको क्या बताया था, लीवरेजेस, व्हाट इज लीवरेजेस, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स व्हिच डिफाइन रिस्क। ओके, वो क्या डिफाइन करता है, रिस्क को डिफाइन करता है। तो कमेंट पार्ट में आप आ जाइए, आई होप आपके पास मेरा डीकेसी का आईसीआई का मॉड्यूल इन डीकेसी फॉर्मेट आपके पास है, अगर नहीं है तो मैसेज मी 9820030925, दिस इज माई डायरेक्ट नंबर, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, डोंट कॉल मी, ओनली व्हाट्सअप, एंड राधे राधे आप लिखेंगे तो मैं आपको मैसेज मैं आपको भेज दूंगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो क्या बोल रहा है, कमेंट बेस्ड ऑन लीवरेजेस, आप देखिए जरा कमेंट पार्ट पेज नंबर 6.8, कमेंट पार्ट आप देखिए पेज नंबर 6.8, कमेंट बेस्ड ऑन लीवरेजेस, कंपनी बी इज बेटर देन कंपनी ए फॉर द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ कंपनी बी मीट इंटरेस्ट लायबिलिटीज बेटर देन दैट द कंपनी ए फ्रॉम ईबीआईटी इंटरेस्ट रेशियो। अब देखो आपको मैं बताऊंगा रेशियो के टाइम पे हम लोग डिटेल में इस चीज को समझ पाएंगे,
रेशो के टाइम में हम इस चीज को डिटेल में समझ पाएंगे। इसको बोलते हैं डेप्ट कवरेज रेशो, राइट। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डेप्ट कवरेज रेशो, मतलब कंपनी ए और बी में किसका फाइनेंशियल पार्ट स्ट्रॉन्ग है। देखो किसका फाइनेंशियल पार्ट स्ट्रॉन्ग है वो आप जरा देख लीजिए। ये बोल रहा है कंपनी ए और कंपनी बी, इसका मतलब इंटरेस्ट आप कहां से पे करोगे। जो पैसा आपके पास ईबीआईटी में है, यहाँ पे आपके पास कितना है 30,000 और आपको इंटरेस्ट कितना बनना है 20, इट मीन्स आपका प्रॉफिट है 1.5 times। और बी में आपका है 2 lakhs जबकि आपको इंटरेस्ट भरना है 1 lakh, इसका मतलब आपके पास कितना है 2 times। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। रेशियो के टाइम पे डिस्कस करेंगे लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इतना टफ नहीं है। 1.5 times and 2 times। सो कैपेसिटी ऑफ कंपनी बी टू मीट इंटरेस्ट लायबिलिटीज बेटर देन दैट ऑफ कंपनी ए फ्रॉम ईवीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेशियो, बराबर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका 1.5 times ही है और इसका 2 times, मीन्स इसके पास जो पैसा है उसमें खाली 1.5 times ही इंटरेस्ट दिया जा सकता है और इसमें जो पैसा है उसमें अपन 2 times भी इंटरेस्ट दे सकते हैं। कंपनी बी हैज ए लीस्ट फाइनेंशियल रिस्क एज अ टोटल रिस्क बिजनेस एंड फाइनेंशियल ऑफ कंपनी बी इज लोअर। कंबाइंड लीवरेज कंपनी ए इज 15 एंड बी इज 4। हमने कंबाइंड लीवरेज अगर अपन देखेंगे, व्हाट इज द कंबाइंड लीवरेज पहले निकाल लेते हैं अपन। यहां तक आपको क्लियर हुआ फ्रेंड्स? ये 1 point, क्योंकि हमको चाहिए 20,000 रुपए इंटरेस्ट, अपने प्रॉफिट है थीसिस में 1.5 times है, यहाँ पे हमको चाहिए 1 lakh आ गए हमारे पास, तो कौन सा कंपनी हो गया? बी बेटर हो गया ना फ्रेंड्स। अच्छा अब आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए फ्रेंड्स। क्या बोल रहा है? कंपनी बी हैज ए लीस्ट फाइनेंशियल रिस्क, राइट। कंबाइंड लीवरेज डी सी एल, कंबाइंड लीवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीटी, बराबर। कंपनी ए कंपनी बी, वॉट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन? 1,50,000। वॉट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन? 4 lakhs डिवाइडेड बाई ईबीटी 10,000, ईबीटी 1 lakh, इसका कितना है 4 times और इसका कितना है 15 times। तो वही बोल रहा है कंपनी बी हैज ए लीस्ट फाइनेंशियल रिस्क एज टोटल रिस्क बिजनेस एंड फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी बी इज लोअर। कंबाइंड लीवरेज ऑफ कंपनी ए इज 15 है और कंपनी बी इज 4। मैंने आपको क्या बताया? ये क्या डिनोट करता है, क्या बताता है? ये बताता है फाइनेंशियल रिस्क। एक बताएगा डीएफएल, आपको बताएगा फाइनेंशियल रिस्क। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आपको क्या बताएगा? ऑपरेटिंग रिस्क। और ये आपको क्या बताएगा? कंबाइंड रिस्क। तो ये आपके ऑल 5 जो इलस्ट्रेशन थे वो कंप्लीट हो गए। अब ये एक्चुअली आपको करना चाहिए, फिर भी मैं एक चैप्टर में मैं आपको बताता हूँ। कोई भी चैप्टर सीखने से पहले जो टेस्ट योर नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो आपको जरूर करने चाहिए। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सेकेंड टाइम आप बिना देखे ये क्वेश्चंस जरूर से सॉल्व करें। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है? अगर आपको लग रहा है कि कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो प्लीज आप मुझे बताइए। आज अपन ये टॉपिक अपना ट्राई करते हैं, फिनिश करते हैं, ठीक है? अब आप आ जाइए टेस्ट योर नॉलेज। हम पूरा मॉड्यूल कर रहे हैं, आपका मॉड्यूल पूरा कर रहे हैं। टेस्ट योर नॉलेज में आपके एमसीक्यूज है। एमसीक्यू में आपको कौन बनेगा करोड़पति की तरह, केबीसी की तरह, आपके पास ऑप्शन रहेंगे ए बी सी एंड डी और उनमें से कोई भी एक ऑप्शन सही रहेगा और उसको आपको टिक मारना है। अब देखिए वन बाई वन देख लीजिए। पेज नंबर 6.10 से स्टार्ट होते हैं अपने एमसीक्यू। 6.10 से वन बाई वन जो डायरेक्टली है उनको डायरेक्टली कर लेंगे, पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो इनडायरेक्टली है उनको अपन कर लेंगे। तो एमसीक्यू पहला अपन को एमसीक्यू दे रखा है। क्वेश्चन 1 गिवन, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट 20,000, सेल्स 1 lakh, पीवी रेशियो 40%, द ऑपरेटिंग लीवरेज इज। मैं थोड़ा डिटेल में करा देता हूँ आपको। ये आपको दे रखा है एमसीक्यू 1 पेज नंबर 6.10।
सेल्स सेल्स आपको दे रखा है 1 लाख, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखा है क्योंकि आपका पीवी रेशो है, इट मींस कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन है आपका 40% ऑफ 1 लाख इज 40, तो बैलेंसिंग फिगर आपका क्या हो जाएगा, वेल लेस आपको फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 20,000, तो आपका ईवीआईटी आ जाएगा। डायरेक्टली आप आईसीआई मटेरियल ही यूज करिए ताकि क्या आपको दिक्कत नहीं हो, पहले वो अपना मटेरियल कराते हैं फिर अपन देखते हैं शेड्यूल के क्वेश्चंस को नहीं पाते हैं, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा, इट मीन्स आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिव लीवरेज क्या रहेगा बोलो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईवीआई, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन 40,000, व्हाट इज योर ईवीआईटी 20,000 एंड दिस कम्स टू 2 times, इसका मतलब आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए। लेकिन सपोज अगर वो एग्जाम में आपको बोलता है कि डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला, तो फिर आपको डी कैसे किया जाए, फ्रेंड्स लाने की कॉस्टिंग ऐसे नहीं बना फ्रेंड्स। अगर जो मॉड्यूल में लिखा है, जो बाकी के लोग करते हैं, जो मॉड्यूल में लिखा है, अगर हम लोग वही बोलेंगे तो फिर हमारी वैल्यू क्या रहेगी फ्रेंड्स, लोग बोलेंगे नहीं लाठी कॉस्टिंग का क्या है इसमें, गए तो मॉड्यूल में लिखा है वही तो बोलते हैं। अरे वो नहीं बोलते भाई, आप मानेंगे नहीं, सीए फाइनल में मैं पढ़ाता हूँ, बच्चों ने मेरे को बोला हमको तो वो बच्चे चाहिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनकी तो अलग है, वो हमसे प्राइवेट ट्यूशन ले सकते हैं करके ना, हमसे लेते हैं 1x1 अपने घर पर बुलाते हैं पढ़ते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज रहते हैं उनके बच्चों को हम घर पर जाते हैं पढ़ाने के लिए। पर जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके फाइनेंशियल नहीं है, जिनका फाइनेंशियल लीवरेज है करके, उनके लिए क्या है, उनके लिए तो हमारे वीडियो लेक्चर्स बेस्ट है ना, उनको देना ही पड़ेगा उनको करके। लेकिन अगर जो लिखा है वो जो मॉड्यूल में लिखा है वही अगर मैंने बोल दिया तो मतलब क्या है, अरे कुछ अलग हटके। मैंने क्या बोला कि अगर एग्जामिनर बोलता है तो यहाँ पे औकात नहीं है किसी स्टूडेंट की सॉल्व करके दिखा दे, सब पूछ लेना लाइब्रेरी में और मुझे मैसेज कर देना। ये अपन कब कर पाएंगे, जब अगर आपने कॉस्टिंग बहुत ही अच्छे से किया है, अगर आपने कॉस्टिंग बहुत अच्छे से किया तो ही आप कर पाओगे, कैसे बोलो, ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है, ऑल्टरनेटिव। और आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि नॉलेज ले लीजिए, फाइनल में आओगे तब आपको सब ये आने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एंड जितना हो सके उतना चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़िए आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है यहाँ से इस प्रोसेस से होके गया है उसको मालूम है सारी चीजें, तो सीए का टीचर है तो बेस्ट है आपके लिए करके ना। सेल्स सेल्स डिवाइडिंग टू बीपी एंड, ठीक है। अब देखो आपको क्या दे रखा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के दो पार्ट, वेरिएबल प्राइस एंड पीवी रेशो। पीवी रेशो आपको क्या दे रखा है 40%, और बीपी आपका क्या होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, जो लोग फॉर्मूला से करते हैं, और जो लोग डीकेसी फॉलो करते हैं वो तो फॉर्मूला करेंगे, राइट। इट मींस 20,000 फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज 40% इंटू 100, इट मींस 20,000 डिवाइडेड बाई 0.4 एंड दिस कम्स टू 50,000, ये आपका क्या हो गया 50,000 आपका क्या हो गया बीपी सेल्स, ठीक है। आपका टोटल सेल्स 1 लाख, आपका एमओएस सेल्स 50,000, इट मीन्स 50,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इज 0.5, क्योंकि
50,000 divided by 1 lakh is 0.5, and 0.5 and 0.5 मिल के क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। और मैंने आपको क्या बताया था, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज सेल्स डिवाइडेड बाय एमओएस, आपका सेल्स 1, एमओएस 0.5। इससे पता चलेगा पीवी फ्रॉम टाइम की कॉस्टिंग, एग्जामिनर आपको 100 में से कितना देगा, 100 तलवार की धार से नगर की तलवार से। नाइस, फ्रेंड्स को बताओगे ऐसे मोम की मोम होती है नानी, ऐसे कॉस्टिंग और एफएम भी ऐड करना है, कॉस्टिंग एफएम में होती है सर। इज दिस क्लियर, बताइए आप मुझे। ये आपका था एमसीक्यू 1, ये आपका क्या था एमसीक्यू 1, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, बोलिए इज दिस क्लियर। इससे तो पता चलेगा ना एग्जाम आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करेगा, 100 में से 100 दे देगा। सही आंसर, ऑलराइट। चलो आगे एमसीक्यू 2 पेज नंबर 6.11। आईसीआई मॉड्यूल फॉलो करिए ना, वो प्रोफेसर अपना बताएगा फिर हम अपना करेंगे, मतलब नहीं। इफ ईवीआईटी 50 लेस इंटरेस्ट 250 कॉर्पोरेट टैक्स 40% डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज, इसका मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है बताओ, ईवीआईटी अपॉन ईवीटी बराबर, आपको दे रखा है ईवीआईटी इज 15 लैक्स, ईवीआईटी आपको क्या दे रखा है 15 लैक्स लेस आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 250। अर्निंग बिफोर टैक्स आपका होगा 15 माइनस 2.5 इज 12 लाख 50, इट्स 15 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख 50 विल बी योर फाइनेंशियल English, and this comes to 1.2, which is your answer number. MCQ आप अपने आप से करिए, हो सकता है आगे के चैप्टर में मैं आपको दू होमवर्क में बैठे। ये आपका DFL क्या होता है, EBIT, EBIT divided by EBT, ये आपका 15 lakhs, ये 12,50,000, and following effects, EBIT, 15 lakhs, interest, and ये आपका EBIT. आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही है। नाउ क्लियर प्रॉपर, ये आपका हो गया आंसर नंबर 2। अब आप आ जाइए, एम आई गोइंग फास्ट, इजी है ना फ्रेंड्स, थोड़ा तो देखो आपको भी स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। एमसीक्यू थ्री पेज नंबर 6.1। If DOL is 1.24 and DFL, मैं नहीं बोलूंगा इसमें चार ऑप्शन भी नहीं पढ़ने आपको, DOL into DFL equal to DCL, मैं नहीं जवाब दूंगा, प्लीज 1.24 1.99, बोलो 1.24 into 1.99 2.46, or you can say 2.47, and which is answer. Say yes. अब कभी कभी आप पढ़ना भी नहीं आता चार ऑप्शन करके ना, ऐसा नहीं चलेगा ना। एमसीक्यू 4 पेज 6.12 क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग लीवरेज इज, व्हाट इज ऑपरेटिंग लीवरेज, इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईवीआई, कौन सा रहेगा आंसर ए। या इसके लिए आप मुझे प्लीज परेशान मत करो, ये आपका एमसीक्यू था 4। एमसीक्यू 5 बोलो, फाइनेंशियल लीवरेज इज, ना हो यार अब पकाओ मत यार, ईवीआईटी डिवाइडेड बाय ईवीटी विल बी योर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट,
Which of the following is correct? MCQ, MCQ 6, page number 6.1. Which of the following is correct? All right, friends. All right. Which of the following is correct? एक्चुअली इसमें थोड़ा प्रिंटिंग एरर जैसा लग रहा है. कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू ये तो ऑपरेटिंग लीवरेज प्लस फाइनेंशियल लीवरेज तो नहीं होगा, कंबाइंड लीवरेज नहीं होगा, सी हो जाएगा. कंबाइंड लीवरेज इक्वल टू योर ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज. ओके, अब आप आ जाइए सेवन. सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स बिजनेस रिस्क. नाउ इट्स वेरी इजी है. बिजनेस रिस्क कौन सा बताया था आपको, बोलो. फर्स्ट लेक्चर से ही बता रहा हूँ. बिजनेस रिस्क आपका क्या रहेगा? बिजनेस रिस्क आपका रहेगा ऑपरेटिंग लीवरेज, क्योंकि इसमें क्या रहता है? फिक्स्ड कॉस्ट. ऑलराइट फ्रेंड्स, अब आप आ जाइए आपके दूसरे टाइप के क्वेश्चन से. ये आपके टेस्ट योर नॉलेज भी मैं आपका पूरा कवर करा के दे दूंगा. राइट, एट में क्या बोल रहे हैं? एमसीक्यू एट पेज नंबर 6.14. एमसीक्यू एट, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज ए फ्रैक्शन ऑफ. पढ़ने की भी जरूरत नहीं. परसेंटेज चेंज इन ईपीसी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. कंबाइंड क्या था बोलो? तीनों फॉर्मूला बताओ आप मेरे, कौन सा आएगा इसमें बताओ. क्या बोल रहे हैं? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज चाहिए इसको. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, डिग्री ऑफ फाइनेंस एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग क्या रहेगा बोलो? DOL इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. DFL परसेंटेज चेंज इन EPS परसेंटेज चेंज इन EBIT कैंसिल. परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी. आंसर नंबर बी ना, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन दिस योर क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर एट. ठीक है, अब आप आगे आ जाइए एमसीक्यू नाइन. अपना पेज नंबर है 6.14. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कंबाइंड लीवरेज. इट मींस देखो, पहला सेल्स आपको क्या दे रखा है? 20 लैक्स वेरिएबल कॉस्ट. आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 40%, 8 लैक्स. कंट्रीब्यूशन 12 लैक्स लेस fixed cost 10 lakhs. Then EBIT 2 lakhs, right? Less interest 10 lakhs ka 8%, 80,000, and this comes to 120 is EBIT. All right, अब आपसे पूछा जा रहा है डी कैलकुलेटर कंबाइंड DCL. इट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन बोलो फॉर्मूला डिवाइडेड बाई
ईबीटी कंट्रीब्यूशन कितना है 12 लाख, आपका ईबीटी कितना है, ईबीटी है आपका 2 लाख, मतलब क्या हो जाएगा आपका ईबीटी 2 लाख एंड कंट्रीब्यूशन 8 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 8 लाख है, 40% 31 आपका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 12 लाख, फिक्स कॉस्ट कितना है आपका 10, तो 2 लाख एंड देन 80,000 आपका इंटरेस्ट है, 1,20,000 अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स आप कहाँ से होगा, आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा 120, सो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स एंड दिस कम्स टू 10 टाइम्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, दे रखा देखो मल्टीपल का ये तो है आंसर, आप वेरीफाई कर सकते हो ना ए, अरे डीएस डीसीएल ना कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स, सही है सुनो फ्रेंड्स, भाई आपको दे रखा है ना आपका सेल्स कितना है 20 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 40% ऑफ दिस, कंट्रीब्यूशन ये आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट आपका ये, अर्निंग बिफोर टैक्स ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा अर्निंग, एंड टीसीएल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स एंड दिस कम्स टू 10 व्हिच इज आंसर नंबर ए। एमसीक्यू का 10 बोल रहा है आपको, एमसीक्यू क्वेश्चन 10 एंड पेज नंबर आपको बोल रहा है 6.14। ऑपरेटिंग लीवरेज इज फंक्शन ऑफ विच द फॉलोइंग फैक्टर्स, अमाउंट ऑफ वैल्यू वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, आंसर भी करेक्ट है। ऑपरेटिंग लीवरेज इज अ फंक्शन ऑफ विच द फॉलोइंग फैक्टर्स, वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, करेक्ट, बढ़िया। अभी आप आ जाइए एमसीक्यू 11 पेज 6.15, फाइनेंशियल लीवरेज मे बी डिफाइंड एज, सी रहेगा यूज ऑफ फंड विद द फिक्स्ड कॉस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अर्निंग पर सेल, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, इतना होना चाहिए। हाँ ये तो मार्जिनों से, हाँ देखो अब ये मेरा वाला आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट, अब इसको सिर्फ ओनली डीकेसी के अलावा दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, गारंटी है, ओपन चैलेंज, विदाउट कॉस्टिंग की नॉलेज के यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट्स अ ओपन चैलेंज ऑफ डीकेसी, आपको कॉस्टिंग का नॉलेज होना ही चाहिए तभी आप ये कर पाएंगे। क्या बताया था मैंने आपको, देखो इफ द एमओएस इज 0.25 एंड देर इज 8% इंक्रीज इन आउटपुट देन ईवीआईटी मिलेगी, ओके, आप देखो आपका सेल्स कितने से बढ़ रहा है, सेल्स इनटू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज विल गिव यू द ईवीआईटी, सही है सुनो फ्रेंड्स, आपको ईवीआईटी क्या देगा, ईवीआईटी आपको देता है सेल्स, सेल्स सेल्स कितने से बढ़ रहा है 8% से इनटू, अब डीओएल क्या होता है याद है, यस डीकेसी स्टूडेंट फटाक से करेगा, दिस इज बीईटी एंड दिस इज एमओएस, एमओएस इज 0.25, ये कितनी चाहिए 0.,, तो डीओएल आपका क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.25 इज 4, 4 एंड दिस कम्स टू 32। आज तो आपको नाइस लिखना ही पड़ेगा, राधे राधे लिखना ही पड़ेगा, तो दे रखा है सेल्स 8% से बढ़ रहा है, डीओएल चाहिए तभी आपको ईवीआईटी मिलेगा, डीओएल के लिए क्या किया सेल्स भी, इसके लिए मैं बोला ना, मैंने बोला था मॉड्यूल में डालिए आप फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट ऐसी बात नहीं, हमारी बात में मानता भी है, जब हम लोग सीए कर रहे थे उस जमाने में एक रूल था कि अगर आपके किसी पेपर में 60 मार्क्स हैं तो दूसरे सारे पेपर में आपको 30 मार्क्स होने चाहिए तभी आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, पुराने जमाने का रूल बोल रहा हूँ, हमने इंस्टीट्यूट को बोला ये क्या बात हुई करके, अगर किसी का एक पेपर में अगर 60% मार्क्स है दूसरे में
तो इंस्टीट्यूट ने फिर चेंज किया था, वो प्रेजेंट होना जरूरी है, पेपर में अपीयर होना जरूरी है। अगर आपने 0 मार्क्स भी है तो भी आपको 60% पे आपको एग्जामिनेशन मिल जाएगी। ये जो आपको 15 मिनट मिलते हैं ना एग्जाम से पहले, वो डीकेसी नहीं कर पाया है, हमने ही रिक्वेस्ट किया इंस्टीट्यूट कि आप 15 मिनट दीजिएगा। तो लोग फिर मुझे सोशल मीडिया पे बहुत टैग करने लगे, सर स्टार्टिंग के 15 मिनट में मिल पता चल जाता है कि पेपर लिखने का कि नहीं लिखने का। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो करवाई है। कभी कभी मजाक मजाक में लोग मेरे को बोलते सर व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट जीएमसीएस, जीएमसीएस के बारे में आप क्या बोलते हैं। तो हमेशा हंसी मजाक के टोन में उनको होता है, जैसे सपोज कोई मर जाता है ना तो उसकी तैरवी करते तो उससे क्या फायदा होता है, खाली एक आत्मा को शांति मिलती है, होता कुछ भी नहीं।